हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और ऊपर वाला हमेशा कृपा रखेगा गाइस, हमेशा ठीक ठाक रहो आप लोग। और चलिए ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं गाइस। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले नीचे रेड बटन है, इसको प्लीज़ दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, फिर आपको ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइस। चलिए गाइस, अभी टिया है बिजी, अभी थोड़ी देर में टिया से मिलवाते हैं आपको, क्योंकि सब टिया से मिलना चाहते हैं, तो अभी थोड़ी देर में टिया से मिलवाते हैं आपको। और फ्रेंड्स ये देखिए टिया बाबू आ गई है अपना पेट साफ करके। साफ हो गया पेट? कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे? अच्छा, तो फ्रेंड्स टिया बाबू जल्दी उठ जाती है आजकल, आज के लिए उठ जाती है 7:30 बजे। तो गाइस अच्छा है बच्चे जल्दी उठे, क्योंकि अभी तो खैर सोना चाहिए बच्चों का, अभी स्कूल होनी है, अभी स्कूल खुल जाएंगे फिर बेचारे जल्दी उठते हैं। और हमारी मैडम बैठी हुई है, बैठे और मम्मी जी किचन में बना रही हैं मटर पनीर की सब्जी आज सुबह से। शेफाली के लिए मौज है भाई, बस मेरे लिए मौज है भाई, मौज हो गई हमारी, मौज हो गई, हम भी खाएंगे मटर पनीर। तो पनीर गाइस अच्छी ही नहीं लगती इतनी, पहले लोगों को किसी किसी को तो इतनी अच्छी लगती है कि वो शादी में जाते हैं अपनी प्लेट में पनीर ही पनीर भरते रहते और पनीर कर देते हैं गायब, इतने इतने पनीर भर लेते हैं कि हमसे तो नहीं खाई जाती भाई पनीर, बड़ा अच्छी नहीं लगती हमें तो। हाँ नॉन वेज बड़ा अच्छा लगता है हमको भाई। तो फ्रेंड्स हो गई है दोपहर और लंच करने के लिए आए थे भाई। और ये देखो टिया को तो मैंने अभी सुला दिया है, आज इसके थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसके थोड़ा लूज मोशन लग रहे हैं। तो आजकल गाइस बस ऐसे ही है, मौसम थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा बच्चों के लिए, अपने बच्चों को भी वही सेफ रखिए। तो फ्रेंड्स आप हमारे लंच में है आज मटर पनीर की सब्जी और छाछ, आपको दिखाते हैं। ये देखिए मटर पनीर की सब्जी है गाइस, आज बढ़िया बना रखी है मम्मी ने, और छाछ है मम्मी जी तो खा रही खिचड़ी, क्योंकि टिया के लिए बनी थी खिचड़ी तो मम्मी जी को अच्छी लगती है। तो भाई टिया तो खिचड़ी खा के सो गई है, थोड़ी छाछ भी पिलाई ताकि उसके पेट में थोड़ा आराम पड़े। और देखते हैं अभी तो सुबह से मेरे ख्याल से 3 बार गई है ना, तो शाम को देखते हैं, शाम को उसको दवाई दिला के लेके आते हैं भाई, क्योंकि अच्छा नहीं है तब पेट खराब हो, तो बच्चों को जल्दी दो दिलाना चाहिए। दांत वाते निकाल रही है ना कोई? हाँ शायद दांत वाते निकाल रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं लंच, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। सिंपल है, फुल ही है। सो फ्रेंड्स घर आ गए हैं और शेफाली को भी ले आए हैं, और आज हमने ऑनलाइन मंगवाई है शिफ्टी आगे ड्रेस फ्रॉक मंगवाई है, देखिए अच्छा वो लग रही है, बहुत लग रही है, ये देखो टिया की फ्रॉक मंगवाई है हमने, गर्मियों के लिए। कितने की आई हैं दोनों बताओ? अरे बताओ कितने की आई है? 550 की दो फ्रॉक। तो गाइस हमने फर्स्ट प्राइस मंगवाया था, मैं किसी की ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट प्राइस से मंगाया, फर्स्ट प्राइस में लगा लो अच्छे से अच्छे कपड़े मिलते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है कपड़ों की, थोड़े महंगे होते हैं बट अच्छी होती है क्वालिटी, बहुत अच्छी होती है। तो फर्स्ट प्राइस से मंगवाए हमने ये कपड़े टिया के, क्योंकि बाहर से गाइस में कपड़े मतलब पसंद नहीं आ पाते, मार्केट लाजपत नगर जाओ या सरोजनगर जाओ कपड़े पसंद नहीं आ पाते, महंगे भी इतने हैं, अब महंगे भी बहुत रहते हैं भैया, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो भाई सोचते हैं कि थोड़ा बच जाए, बच्चे के लिए तो चलो कुछ भी वो कर सकते हैं, बट ये अच्छी क्वालिटी भी तो क्वालिटी काफी अच्छी है, बेबी हक कंपनी के हैं, तो बेबी हक कंपनी काफी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। तो मैडम गई है वहाँ पे भग गई मेरे भाई के घर पे, तो वहीं भग जाती है, जब गेट खुला तो घर में नहीं रहती है, भारी भारी घूमती है। तो चलिए फ्रेंड्स हमारी चाय आ गई, चाय का आनंद लेते हैं और कुरकुरे खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और देखिए हमारी चटोरी आ गई है गाइस, और इसने आते हमला कर दिया है कुरकुरों के ऊपर। कैसा टिया? पापा को बताओ। क्या जबरदस्ती बुलवा रहे हैं हम, क्या अच्छा है ये खाना है ना, मम पीना है आप, ये खाना है वो नहीं खाएगी, नहीं वो देख ले ये नहीं खा रही है नमकीन, और वो इतनी चटपटी चीज है वो खा रही है। अरे चटपटी है मेरी बेटी, आ रही है मजा आ रहा है कुरकुरे खाने में। ओए मम
मम पिएगी दादी अम्मा। तो फ्रेंड्स मम्मी जी ने कर दिया स्यापा और मम्मी जी ने मेरी चाय गिरा दी है बेड के ऊपर। चाय थोड़ी ना मेरी चाय थी। मेरी चाय थी वो। आपकी तो है मम्मी। हाँ वो मम्मी इसको ये पकड़ा रही थी नीला पैकेट शेफाली को। टियो टियो मम्मा को डांट दे बोल ये क्या कर दिया चाय गिरा दी। हाँ चाय गिरा दी। तो मम्मी को डांट रही थी ये चाय गिरा दी। गिरा दी मम्मी ने चाय। अरे इसको ले जाओ वहाँ पे यूं करके आप ले लो ये कर देगी ये पूरा उठा के ले जाओ अब वहाँ पे साफ कर दो। अरे गई गई। अरे मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए चाय चाय हो गई सब जगह। अभी मैं साफ कर दूँ। तो फ्रेंड्स आज बने हैं भाई शुद्ध शाकाहारी खाना दाल भात यानी दाल चावल बनाए हमने। काले मसूर की दाल है और चावल और टिया बाबू खा रही है। चलो बताओ हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस बोलो जल्दी यहाँ पे देख के बोलो यहाँ पे देख के बोलो जल्दी से जल्दी बोलो जल्दी का ये दो चुटिया वाली मामा क्या ऐसे खाते थे फ्रेंड्स देख एक खा के बता एक खा के बता देख देख फ्रेंड्स सारे देख रहे हैं देख टिया को खा के दिखाओ कैसे बने हैं। प्लेट में डाल दिए वापस इसने चबड़ों ने बताओ। और देखिए फ्रेंड्स आप सोच रहे होगे टिया ने सारी कटोरी साफ कर दी बट इसने साफ ही नहीं करी कुछ खाती नहीं है बस ऐसी रगड़ती रहती है बस चम्मच हिलाती रहती है। खा ले खाओ खाओ खा ले खा ले। ये देख मैं वीडियो बना रहा हूँ खाओ खाओ जल्दी खा ले तबस्सुम। अरे उसके आगे कटोरी कर दी गिरा देगी मम्मी। आपने ये क्या किया उसके आगे कटोरी कर दी खारी है दाल। ये खारी आपको लग रहा है खारी है तमाशा बना रही है ये खाने वाली है बच्ची। ये देख अपना मतलब खाती है ना कुछ देर बाद ड्रामे करने लग जाती है। बात करो गाइस से जीव बात करो टिया हटाओ क्या है इसके अंदर खोलो खोलो हाँ खोलो खींचो खींचो ऊपर खींचो। ओए काले काले गुलाब जामुन खा के देखो कैसे हैं खा के दिखा अच्छे अच्छा है ना। इसे अच्छे नहीं लगा है तोड़ दिया। तो फ्रेंड्स ये देखो आप लोग भी खा लो एकदम काले गुलाब जामुन है ये लग रहा है जैसे नाइजीरियन लोगों को हाथ से रोल करके इसके अंदर डाल दिया। रहने दे नहीं खा रही तो हम खाएंगे चल चलो अब शेफाली खा के बताइए कैसे हैं। अरे बाबू रुक जा मम्मा वो खाने तू खा नहीं रही तो वेस्ट करेगी मुझे पता है ना? नहीं खा रही है ले लो मम्मी अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं अच्छे तुम्हारे लिए तो लेके आए थैंक यू। बाइट करो बाइट ले लो मम्मी ले लो बाइट करो अच्छे हैं अच्छे हैं थैंक यू टिया थैंक यू आप मैं ले गुलाब जामुन लेके आए थैंक यू बोलो ये बोलना पापा को थैंक यू थैंक यू। बस शेफाली एक ही खाने की हो रही है अच्छे बढ़िया। अब फ्रेंड्स हम खाते हैं टिया पैर नहीं लगाते गंदे को टिया पैर नहीं लगाते ये वाला काफी मतलब क्रिस्पी बना रखा है ऊपर से अंदर की लेयर भी काफी अच्छी है मिक्सर काफी अच्छा बना हुआ है टेस्टी है। पानी आ रहा है आपके मुँह में आप भी ले आओ जाके खा लो हमारे पास हम खिला देंगे। तो फ्रेंड्स गुलाब जामुन का टेस्ट अच्छा गया खाने के बाद मीठा जरूर चाहिए होता है। टिया बेटा पैर नहीं लगाते बहुत अच्छे बने हुए हैं मैं तो कल ऑफिस लेके जाऊंगी एकदम रसीले बने हुए हैं इतने अच्छे टेस्टी बहुत अच्छे खा ले बोल ले ले
उधर बाय का तो गई है भर लिया तो फ्रेंड्स ये देखिए टिया के एयरिंग्स न्यू एयरिंग्स लेके आई है चांदनी चौक से हिलाओ यूं करके कैसी लग रही है टिया अच्छी लग रही है गंदी नहीं देख हटो हटो मम्मा को दिखा दे मम्मा को नहीं नहीं चोट लग जाएगी बाबू निकालना तो गाइस चूड़ी पर रख दी चूड़ी से ने तोड़ दी दोनों चूड़ी और मैंने फिर इसके वहाँ वो बना दी एयरिंग है देखो टिया बाबू कितनी सुंदर लग रही है अले 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 रुक जाओ तो फ्रेंड्स ये देखिए नाक में बुंदा पहाड़ी लोग ए, ए निकाल दी पागल देखा ऐ फिर गई फिर जाओ कहाँ गई चूड़ी ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है लड़की चल चल पापा पहरेंगे पापा पापा पहरेंगे रुक जा ए ए ए ऐसे घंटा ये देख लग जाएगी और लग जाएगी तो चोट बाबू आप मत करो ऐसे मत करो तो चलिए फ्रेंड्स हमारी शैतानियाँ खत्म हो गई हैं अभी देखो टिया की शैतानी खत्म नहीं हुई है दोबारा पैर लिए ऐ कहाँ पैरा देख कहाँ पे देखना कहाँ पे पैरा इसने कहाँ पैर रही है यहाँ यहाँ पैरते इस पे इस पे लग जाएगी तेरे ला ला मैं पेड़ पोपो देखा इधर कर बाबू चल ऊपर चलेंगे रुक जा तो चलिए फ्रेंड्स अब हो गया टाइम आप भी सो जाओ हम भी सोते हैं रात को सभी सो जाते हैं आपको पता ही सभी सोते हैं तो हम भी सो रहे हैं इसलिए आप भी सो जाइए कल सुबह उठेंगे सोने सो जाइए इसलिए कल सुबह उठेंगे ठीक है समझ गए तो चलो नहीं समझ गए तो भाई कमेंट कर देना नहीं आया समझ और से पहले आ गई है गुड नाइट कर दो हमारे फ्रेंड्स को गुड नाइट वहाँ पे देख के करो मेरे को तो रोज ही करती हो बड़ी लज्जा है तो चलिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कुछ गलतियाँ हो तो भाई क्षमा कर देना कुछ हम बोल देते हो जैसे कुछ मुंह से निकल जाता हो तो गाइस अपना प्रोत्साहन देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और आपके ग्रुप है तो उसमें भेजिए हमारे ये ग्रुप को इसको ब्लॉग को तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय।